नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल, PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी लॉस एंजेलिस के फ्लाइट के लिए तैयार हो रहे हैं। ऑडियो नंबर 150 में हम आगे जानते हैं, वह बताते हैं, मंडे नवंबर 15, मैं एयरपोर्ट जाने के लिए अधीर था, लेकिन समय बहुत लंबा था। पूरे दिन मैं लेक्चर के बारे में फ़ोन कॉल्स रिसीव करता रहा। लोग बहुत खुश थे, हमने किताबें बेचने का एक महान अवसर खो दिया था, लेकिन मैं आशा कर रहा हूँ कि हमें बहुत ऑर्डर मिलेंगे। ट्यूसडे नवंबर 16, शाम को 6:26 पर हमने जोहानिसबर्ग से विदा ली। प्रिटोरिया जोहानिसबर्ग के 45 नॉर्थ में है। ईश्वर का धन्यवाद है कि फर्स्ट क्लास प्रायः खाली है और हम कुछ लोग सांस ले सकते हैं। जहाँ तक स्मोकिंग का सवाल है, मेरी लंदन की फ़्लाइट बहुत सुखद रही, लेकिन फ़्लाइट थोड़ी बम्पी थी और सोना प्रायः असंभव था। लंदन पहुँचने में 15 घंटे लगे। लंदन के समय के अनुसार हम 7:30 पहुँचे। मैं TWA सेंटर पहुँचा और मुझे पता चला कि उन्होंने अपनी फ़्लाइट 15 दिन पहले कैंसिल कर दी है और हमारे एजेंट ने केप टाउन में कुछ दिन पहले ही लॉस एंजेलिस की फ़्लाइट रिजर्व की है। कुछ घंटों तक इधर उधर दौड़ने के बाद मुझे ब्रिटिश एयरवेज में एक वैकेंसी मिली और मैंने अपनी टिकट चेंज की। मुझे फ़्लाइट के लिए 5 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा और सब कुछ ठीक रहा तो शाम के 5 बजे हम लॉस एंजेलिस पहुँचेंगे। मैं ब्रिटिश एयरवेज के लाउंज में गया और वहाँ पर सिर्फ बड़ी मात्रा में स्मोकिंग और ड्रिंक है। इस संसार को परिवर्तन की ज़रूरत है, लेकिन परिवर्तन करेगा कौन? लोग जो हैं उससे पूरी तरह खुश हैं, खासकर यूरोप में। मुझे अमेरिकन उन्नति और उनका खुलापन पसंद है, लेकिन वही सुख के पीछे भागने की लालसा हर कहीं है। लोगों को उन किताबों में लिखना चाहिए जो साधारण लोगों द्वारा पढ़ी जाती हैं, ताकि उन्हें राह दिखाई जा सके। हमें गूढ़ ज्ञान को जानने वाले शिक्षकों की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी उनकी, जो इन उच्च विचारों को रोज़मर्रा की जिंदगी के उन्नत और विस्तृत विचारों में अनुवाद कर सके। विचार जो संसार में परिवर्तन ला सकते हैं। ज़्यादातर लेखक पुराने ट्रैक पर ही काम कर रहे हैं, घृणा, भय, बदला, रूढ़िवादिता या नए विचारों पर अर्थहीन हमला। इसी तरह संसार को एक ढर्रे में रखा गया है। सर्विस बहुत बढ़िया है, ब्रिटिश एयरवेज काफ़ी अच्छी है। लोग अत्यंत विनम्र और आदर के भाव से भरे हुए हैं। फ्लाइट थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन मैं इसका अभ्यस्त हो गया हूँ। हम ग्रीनलैंड से गुजर रहे हैं। हम ग्रीनलैंड से अमेरिका और फिर नॉर्थ अमेरिका में एंटर करेंगे। फर्स्ट क्लास में 6 लोग हैं, कोई भी स्मोक नहीं करता है। बहुत अच्छी बात है, मैं सांस ले सकता हूँ और आराम कर सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कितना अच्छा होता अगर एयरलाइंस ने स्मोकिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया होता। हम पश्चिमी हवा के परिवर्तन से काफ़ी उग्रता से गुजर रहे हैं। संसार कितना सुंदर है, सभी लोग यहाँ स्थायी शांति की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। हम आइसलैंडिक वाटर के ऊपर से होकर गुजर रहे हैं और सभी महासागर कुछ दरारों को छोड़कर जमे हुए दिखाई पड़ते हैं। एयरप्लेन अब स्थिर है। मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था जिसमें एक व्यक्ति एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरह लोग हिप्नोसिस के द्वारा नई भाषाएं सीख रहे हैं। वह बोल रहा था कि हमारा अर्धचेतन मन सीखने का द्वार है और हिप्नोसिस के द्वारा नई भाषाएं अंदर जाती है और अर्धचेतन में संग्रहित हो जाती हैं। यह सही है कि हमारी चेतना हमेशा उन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं रहती जो हमारे मानसिक शरीर के विभिन्न स्तरों पर चल रही है। अलग से अर्थचेतन बोलकर कोई चीज़ नहीं है,
अर्धचेतन मानसिक शरीर से अलग कोई वस्तु नहीं है। वे क्षेत्र जो हमारी चेतना के स्पॉटलाइट में नहीं होते वे अर्धचेतन कहलाते हैं। हर एक चीज़ जिसकी छाप हमारे मानसिक शरीर पर पड़ती है लेकिन चेतना के द्वारा नहीं, तब यह चेतना के लिए एक समस्या बन जाती है, क्योंकि चेतना के द्वारा ही जो चीज़ें रजिस्टर होती हैं वह चेतना के स्तर पर स्वीकृत होती हैं। जो चीज़ें चेतना के द्वारा संस्कारित नहीं होती वे चेतना के नहीं होती। कठिनाई यह है कि इन चीज़ों को चेतना के द्वारा बाहर कैसे लाया जाए और उसे स्वीकृत कैसे कराया जाए, जैसे वे उसके द्वारा ही प्राप्त की गई हों। भाषा सिर्फ शब्दों में नहीं सीखी जाती बल्कि वाक्यों से भी सीखी जाती है। हर वाक्य जो हिप्नोसिस द्वारा सीखा गया है वह चेतना में पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन है। होशपूर्वक प्रयासों द्वारा सीखी गई चीज़ें पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन के हिसाब से रजिस्टर नहीं होती हैं। अगर ऐसा होता है कि दो वाक्य जो चेतन और अर्धचेतन मस्तिष्क द्वारा सीखे गए हैं एक दूसरे के विरोध में हैं, तो मानसिक शरीर पर एक गहरा दबाव पड़ता है। जैसे कि हिप्नोसिस मेथड के द्वारा मैं सुनता हूँ, चार्ली मुझे बोल रही है एप्पल खाने के लिए, यानी अर्धचेतन। उसके बाद मैं सुनता हूँ चार्ली मुझे बोल रही है एप्पल को टच नहीं करने के लिए, यानी चेतन। यह एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति के अचेतन होने के क्षण आएंगे और ये वो क्षण भी होंगे जिसमें वह पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन को भी रिसीव करता है। इस प्रकार दिमाग के दो भागों का विरोध व्यक्ति को पागलपन की तरफ ले जाएगा। और हिप्नोटिक माध्यम से लैंग्वेज सीखने के लिए जो चीज़ें रिसीव की गई हैं वे कभी भी दिमाग से मिट नहीं सकती। लॉस एंजेलिस लैंड होने में हमारे पास एक घंटा बचा है, यह प्रायः शाम के 3 बज चुके हैं। लॉस एंजेलिस बहुत स्मोगी लग रहा है। मैंने अपने घर को बहुत मिस किया। अगर हो सकता तो मैं एयरप्लेन के विंडो से उड़कर अपने घर पहुंच जाता। अब हम लैंड कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका से लॉस एंजेलिस प्लेन में 26 घंटे लगते हैं। मैं ठीक हूँ लेकिन धैर्य चुक रहा है। मैं स्वयं को लेक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ, धैर्य रखो, यह एक महान धर्म है। ठीक है, मैं रखूँगा। आखिरकार प्लेन के दरवाजे खुलते हैं और मैं बाहर जाने के लिए आतुर हूँ। मैं दरवाजे पर कस्टम ऑफिसर को खड़े हुए देखता हूँ। वह बोलता है, मैं यात्रियों को बाहर नहीं जाने दे सकता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कस्टम्स की प्रोसेस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कितना समय लगेगा। करीब 45 मिनट। मुझे नहीं पता प्लेन में 45 मिनट कैसे गुजारूं। मुझे ऐसा लगता है कि समय की गति बहुत धीमी हो गई है। धैर्य, 26 घंटे तक धीरज रखने के बाद यह भी क्या परीक्षा है। अब हम कस्टम्स के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कस्टम्स ऑफिसर्स अगर चाहें तो हमें 26 घंटे के लिए और रख लें, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद है, वे हमारे ऊपर दया करते हैं और चीज़ें गति लेती हैं। यहाँ सैरी मुझे लेने के लिए आता है। आखिरकार मैं लॉस एंजेलिस में हूँ। वह मुझे मेरे घर पर छोड़ती है और इतनी बड़ी यात्रा के बावजूद मैं सुबह के पहले सो नहीं पाता। सुबह मैं अपने प्रिय सेंटर में जाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ इतना धैर्य रखा। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम एक नई घटना की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।